Hello everyone, welcome to Success with Rai Academy. Daily test at 8 PM के current affairs की series में आज आपका test number 17 है. इससे पहले जो कल test आपसे लिया गया था उसमें भी 10 questions आपको दिए गए थे, आज भी आपको 10 questions दिए जाएंगे. Question पढ़ने के और option पढ़ने के बाद आपको 10 second का समय दिया जाएगा ताकि आप अपने answers को अपनी copy पर tick कर सकें. और video के last में आपको ये बताना होगा कि आपने कितने जवाब सही दिए हैं. तो चलिए अब टेस्ट को शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है, नाडू नेड्डू योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना या फिर असम. नाडू नेड्डू, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये साउथ की कोई योजना है. ओके, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, आंध्र प्रदेश. नाडू नेडू योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत बताया है? ऑप्शंस हैं 4.2%, 4.8%, 5.2%, 5.6%. मूडीज जो कि आर्थिक विकास दर की रिपोर्ट देता है. ओके, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 5.6%. मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर अब 5.6% बताया था, लेकिन अभी कोरोना वायरस के प्रभावों के कारण अभी तक मूडीज ने भारत की विकास दर की रिपोर्ट अभी नहीं दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई सर्विस युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य शुरू हुआ है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, जापान या फिर ब्राजील. ट्राई सर्विस युद्धाभ्यास, चार ऑप्शंस हैं. ओके, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, अमेरिका. ट्राई सर्विस युद्धाभ्यास अमेरिका और भारत के मध्य शुरू हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले देखिए, जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, अगर आपके पास पहले से ये नोट्स के तौर पर मौजूद हैं या फिर आपको पहले से आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है. और अगर आपको नए क्वेश्चन मिल रहे हैं या फिर आपको ये टेस्ट सीरीज देने में अगर सुगमता महसूस हो रही है तो अच्छी बात है. और नए क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप इसे नोट भी करते चलिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम साहनी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या फिर केरल. नीलम साहनी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं? ओके, इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, आंध्र प्रदेश. नीलम साहनी आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है. मैं उम्मीद करता हूं आप अपने आंसर्स को टिक करते हुए चल रहे होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी विश्व कप 2019 का आयोजन भारत के किस राज्य में होना था? यहां पर होगा होना था. ऑप्शंस हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर नई दिल्ली. कबड्डी विश्व कप 2019, चार ऑप्शंस हैं. इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, पंजाब. कबड्डी विश्व कप 2019 का आयोजन पंजाब में होना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस ब्रेबरी रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में कौन सा देश रिश्वत लेन देन के रिस्क में सबसे ऊपर है? ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान. रिश्वत लेने में कौन सा देश सबसे ऊपर है? ओके, इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, बांग्लादेश. नेक्स्ट है, जॉर्डन ने किस देश के साथ हुए 25 वर्ष पुराने शांति संधि के प्रावधान का अंत कर दिया है? इसके ऑप्शंस हैं इज़राइल, सीरिया, लेबनान या फिर रूस.
जॉर्डन। ओके, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन इज़राइल। जॉर्डन ने इज़राइल देश के साथ हुए 25 वर्ष पुराने शांति संधि के प्रस्ताव का अंत कर दिया है। जॉर्डन, जिसकी कैपिटल है ओमान, करेंसी है दिनार और इसके प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला द्वितीय। इज़राइल, जिसके प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, अभी ये अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, और इसकी जो कैपिटल है वो है जेरूसलम और करेंसी है न्यू सेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 में किए जाने वाले विकास कार्यों में किस देश ने 1 करोड़ 35 लाख डॉलर का सहयोग देने का संकल्प जताया है? ऑप्शंस हैं भारत, नेपाल, चीन या फिर रूस। चार ऑप्शंस हैं आपके पास और इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन भारत। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 में किए जाने वाले विकास कार्यों में भारत ने 1 करोड़ 35 लाख डॉलर का सहयोग देने का संकल्प जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी का नाम टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं रोहित शर्मा, दूती चंद, स्मृति मंधाना, पीवी सिंधु। चार ऑप्शंस हैं और ये पहली धावक होंगी। अब आपके लिए आंसर देना आसान हो गया होगा। दूती चंद इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूनेस्को द्वारा कब से कब तक यूनेस्को हेरिटेज वीक मनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं 14 से 20 नवंबर, 20 से 24 नवंबर, 19 से 25 नवंबर, 26 से 30 नवंबर। चार ऑप्शंस हैं आपके पास ओके, इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 19 से 25 नवंबर। यूनेस्को द्वारा 19 से 25 नवंबर तक यूनेस्को हेरिटेज वीक मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये आपका आज का टेस्ट नंबर 17 था और ये वीडियो 8 या 9 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, यानी कि आपको पूरे दिन में अपने करंट अफेयर्स को जांचने के लिए सिर्फ 8 से 10 मिनट चाहिए होते हैं, जिसमें आप ये जांच सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, आपने कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ा हो। लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको रिवीजन का एक मौका देता है या फिर नए क्वेश्चन मिलते हैं तो उसे नोट डाउन करने का एक जरिया बनता है। और अब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताना है कि आपने 10 में से कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।